अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज बना रही हूँ फिश फ्राई। मेरे पास फ्रेश फिश है और जो स्पाइस है मेरे पास वो मैं दिखा देती हूँ आपको। मेरे पास जो स्पाइस है वो ये है, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून मेरे पास चाट मसाला है, और 1/2 टीस्पून से कम मेरे पास नमक है। ये मेरे पास खुश्क धनिया है, इसको मैंने पीस लिया था, ये 1 टेबलस्पून, ये भी 1 टेबलस्पून है, और ये हल्दी है मेरे पास, ये 4 लेमन का जूस है मेरे पास, अदरक और लहसुन की पेस्ट है और सब्ज मिर्चों की पेस्ट है। अभी इसको पहले हम हल्दी लगाएंगे, अब हम इसको हल्दी लगाएंगे इस तरह अच्छे तरीके से, दोनों साइडों पे लगाएंगे। अब इसी तरह दूसरी साइड चेंज कर लेते हैं। इस तरह हल्दी लगा लेते हैं, और ये फिश जो आप बनाएंगे ना, इसका टेस्ट बहुत हटके होगा। थोड़ा सा हम हाथ की मदद के साथ इसको दोनों साइडों पे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा माशाल्लाह हल्दी लग गई है फिश पे। इस तरह ये हमारी हल्दी लगी, 10 से 15 मिनट हम ऐसे रहने देंगे। फिर दूसरे मसाले लगाते हैं, लेमन जूस वो हम डाल देंगे, सभी फिश पे डाल देते हैं। जो मेरे पास सब्ज मिर्च की पेस्ट है वो डालेंगे, ये मेरे पास लहसुन और अदरक की पेस्ट है, इसमें सब्ज मिर्च भी थोड़ी सी थी इसलिए मैंने सेपरेट भी डाला है। ये मेरे पास जो स्पाइस है सारे मैं डालूंगी। अब फिर हम हाथ की मदद के साथ इसको अच्छे तरीके से फिश पे लगाते हैं, मिक्स कर लेंगे, दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ, वैसे तो बहुत ज्यादा है, नहीं तो आप लेमन और डाल सकते हैं। काफी अच्छा मसाला लग गया। अगर आपको लगे कि मसाला अभी ड्राई है तो आप 2 और लेमन डाल सकते हैं, क्योंकि फिश के हिसाब से देखिए सारे फिश पे अच्छे तरीके से मसाला लग गया है। आप चाहें तो सारी रात पड़ा रहे, सुबह को फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और मैं भी ऐसे ही करूंगी, 7-8 घंटे रखती हूँ, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। ये हमारे पास मैदा है, ये जो मैं फूड कलर थोड़ा सा डालूंगी, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब पानी के साथ हम मिक्स कर लेते हैं, घोट तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा और पानी डालते हैं। देखिए जी बहुत अच्छा घोट तैयार हो गया है, अब हम फ्राई करेंगे। फिश को हम लेंगे और घोट में, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये एक पीस मैंने फिश का लिया और इसमें जो मैंने घोट तैयार किया है इसमें हम इस तरह कर लेंगे। अब इसको जो आंच है वो हम हल्की रखेंगे, अब दूसरे पीस को पकड़ते हैं, उसको भी इसी तरह हम करेंगे। इसी तरह सब पीस को हम निकाल लेते हैं। डाल देते हैं, जगह है अभी इस साइड पे। अभी हम
अब हम साइड चेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं, देखें ये इसका सही तरीका होता है कि फिश बन गई है। अब इसे हम निकालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह। अब हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह देखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जबरदस्त देखे कितनी अच्छी। माशाल्लाह देखे, माशाल्लाह अंदर से गल गई। देखो अंदर से बन गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।